वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इफ्रास किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार मटन यखनी पुलाव की रेसिपी। चलिए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मटन यखनी पुलाव के लिए आपको जिन अज्जा की जरूरत है वो नोट कर लें। तकरीबन एक किलो के करीब हमारे पास तरह मटन का गोश्त है। आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी जरूर ऐड करवाएं, इससे यखनी बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा जो अज्जा इसमें जाएंगे, एक टीस्पून के करीब नमक। अभी हम नमक सिर्फ यखनी के लिए ऐड करेंगे, चावलों के लिए नमक फिर बाद में ऐड करेंगे। एक टीस्पून के करीब नमक और इस तरह का 2 इंच का टुकड़ा, 2-3 टुकड़ों में इस तरह अदरक का हमने काट लिया और लहसुन का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ले लिया हमने। आप चाहें तो इसके जवे निकाल के भी 4-5 इस्तेमाल कर सकती हैं। एक दर मैंने साइज का प्याज, उसको हमने इस तरह 4 टुकड़ों में कर लिया जो यखनी में जाएगा। इसके अलावा जो मसाले इसमें जाएंगे, 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ, 1 टेबल स्पून के करीब साबुत सूखा धनिया और ये 5-6 हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 तेज़पात या करी लीव यानी कि ड्राई करी लीव्स हैं। और इसके अलावा 2 बड़ी इलायचियाँ और 3-4 छोटी इलायचियाँ, 1/2 टीस्पून के करीब ये काली मिर्च और 4-5 लौंगे। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले जिसमें जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी यखनी बनाने के प्रोसीजर की तरफ। यखनी बनाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले गोश्त। गोश्त ऐड करने के बाद हम डालेंगे इसमें अपना नमक, अदरक, लहसुन और साबुत प्याज। इसके अलावा ड्राई मसाले हम किसी कपड़े में बांध के डालेंगे। आप कोई भी इस तरह का मलमल का कपड़ा ले लें या कोई सूती कपड़ा ले लें, उसमें तमाम मसाले डाल दें क्योंकि मसाले फिर बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे गोश्त में और उसके ऊपर चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से ये उतारने काफ़ी आपको हार्ड हो जाएंगे। इसलिए हम इसमें इसको बांध देंगे टाइट करके और फिर इसमें ऐड करेंगे। ये जी व्यूअर्स, इस तरह हमने अपनी पोटली ड्राई मसालों की बना ली है, अब इसमें ऐड करेंगे। अब हम तकरीबन 4 कप चावलों से ये यखनी पुलाव तैयार कर रहे हैं। अंदाजे से हम तकरीबन अभी 3 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और हम इसको बंद करके इसका ढक्कन तकरीबन 10 से 15 मिनट या गोश्त गलने तक पकाएंगे। फिर आपको हम चावलों के इंग्रेडिएंट्स नोट करवाते हैं। लीजिए व्यूअर, जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है यखनी पुलाव की, अब हम आपको चावलों के इंग्रेडिएंट्स नोट करवाते हैं। चावलों के लिए हमें चाहिए 1 बड़ी प्याज, इस तरह हमने बारीक बारीक काट ली है। इसके अलावा 4-5 हरी मिर्चें लंबे रुख पे कटी हुई, 2 अदर टमाटर दरमियाने साइज़ के हमने इस तरह काट लिए, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टीस्पून के करीब, ये मिक्स जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और जो मसाले इसमें जाएंगे उसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक या हसबे जायका, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून क्रश रेड चिलीज, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून हमारे पास वाइट जीरा, अगर आपके पास ब्लैक है ब्लैक भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा जाएगा इसमें 1/2 कप दही, अगर आप चाहें तो सिर्फ टमाटर या सिर्फ दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दोनों ऐड करेंगे। चलिए चलते हैं अब हम अपने यखनी पुलाव के चावलों के कुकिंग की तरफ। हमने अपने पैन में 1/4 कप के करीब ऑयल ऐड किया है, उसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी प्याज जो हमने काट ली हुई थी। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। नीचे व्यूअर्स, हमारा प्याज अब आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे जब ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा, अब हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। और इसको 30-40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे प्याज के साथ। अब ऐड करेंगे हम अपने टमाटर, ये 2 नोट करवाए थे आपको, इसको फ्राई करेंगे इसके साथ। अब हम टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट होंगे तो हम सारे मसाले जो आपको नोट करवाए थे वो ऐड करेंगे
और इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। इसको ढककर 2 मिनट के लिए दम देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो। व्यूअर्स, हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट होके मिक्स हो गए हैं मसाले के साथ। अब हम इस पॉइंट पर अपना गोश्त ऐड करेंगे जो हमने यखनी से अलग कर लिया। गोश्त हमारा गल चुका है इसलिए इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ फ्राई करेंगे। गोश्त को हम अच्छा भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। गोश्त हमारा अच्छा सा भून चुका है, अब हम इसमें 1/2 कप दही ऐड करेंगे। अब इसको दही का पानी खुश्क होने तक भूनेंगे। और इसमें ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्चें जो आपको नोट करवाई। लीजिए व्यूअर्स, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त अच्छा सा भून गया। अब हम इसमें अपनी यखनी ऐड करेंगे। यखनी तकरीबन पकने के बाद हमारे पास 2 कप के करीब रह गई थी, जिसमें हमने 2.5 कप के करीब 2.5-3 कप पानी ऐड करके 5 कप के करीब इसको कर लिया, क्योंकि हमारे पास 4 कप चावल है। अब हम इस यखनी को ऐड करेंगे गोश्त में। अब हम इसको बॉयल आने तक ढककर पकाएंगे। चावलों का के लिए जो यखनी तैयार कर रहे थे उसका पानी अच्छा बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये हमने चावल जो भीगे हुए हमने रखे थे 4 कप ये ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसका पानी खुश्क होने तक इसको ढक कर पकाएंगे। व्यूअर्स, हमारे चावल अच्छे से देखें पक चुके हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो पर दम पर लगाएंगे और फिर हम सर्व करके दिखाते हैं। लीजिए व्यूअर्स, हमने इसको 10 मिनट हो गए हमें दम लगे हुए, ये हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको जी व्यूअर्स, हमारा गर्मा गर्म और मज़ेदार यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करना ना भूलिएगा। इसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।